हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मॉडल मस्ट्स कि मस्ट मॉडल का यूज इंग्लिश में कहाँ किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट फॉर स्ट्रिक्ट एडवाइस। आपने देखा कि अगर हम सिंपल एडवाइस देते हैं तो शुड मॉडल का यूज करेंगे। एडवाइस का मतलब कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हैं किसकी फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऑर्डर की फॉर्म में, ऑर्डर की तरह देते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप यूज करेंगे मॉडल मस्ट। नेसेसिटी को शो किया गया है, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, किसी चीज की जरूरत है। कंपल्सन अनिवार्यता है, कोई चीज कंपल्सरी है तो भी आप यूज करेंगे मस्ट कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, आपने देखा कि सिंपल मॉरल ऑब्लिगेशन है तो शुड आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है तो मस्ट आएगा। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन होता है बंधन, यानी कि कोई चीज मना की गई है, मना करने के लिए नोट मिलेगा और नोट से पहले हम क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल से शो करते हैं, यू आर इल, आप बीमार हैं, यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस दी गई है कि आप बीमार हैं, यू आर इल, तो आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर की, यू शुड कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, ठीक है, आपको एक अच्छे डॉक्टर की क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, क्या ही स्ट्रिक्ट एडवाइस, ठीक है। इट इज रेनिंग हैविली, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज ड्रिजलिंग, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग या इट इज रेनिंग हैविली, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला विद यू, तो आपको अपने साथ छतरी लेकर जानी चाहिए, जरूरी है ना। देखिए बाहर बरसात हो रही है तो क्या है, ये नेसेसिटी है आपकी कि क्या होना चाहिए, मस्ट टेक एन अम्ब्रेला विद यू, आप इसको स्ट्रिक्ट एडवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट फिनिश द एग्जाम विद इन 3 आवर्स, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो पहले कुछ रूल्स लिखे होते हैं, उनमें लिखा होता है यू मस्ट फिनिश द एग्जाम विद इन 3 आवर्स कि आपको एग्जाम 3 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। क्या है ये, ये कंपल्सन है कि 3 घंटे से 1 मिनट भी आपको ज्यादा नहीं दी जाएगी। ये क्या हुआ, ये कंपल्सन को शो किया गया है, आपने लिखा यू मस्ट फिनिश। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड कि आपको सड़क के नियमों को मानना होगा, फॉलो करना होगा। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ, आपको कानून के नियमों को मानना होगा। क्या है ये हमारे लिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन तो है लेकिन कौन से, स्ट्रॉन्ग। देखिए अगर हम रोड के नियमों को नहीं मानेंगे तो हमें सजा मिल सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम कानून के नियमों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, सजा मिलेगी। तो क्या हुआ, ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि क्या है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हमने यूज किया मॉडल मस्ट। वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, हमें अपने, देखिए यू, अगर यहां पर यू लिखा होता यू शुड सर्व यूर कंट्री तो यहां पर आप शुड लगाएंगे क्योंकि आपको कहा गया है कि यू शुड सर्व यूर कंट्री। वैसे रूल ये भी होता है एग्जाम में, शुड और मस्ट दोनों इकट्ठे नहीं मिलते हैं, अगर एक साथ मिलते हैं तो फिर आप रूल को देखेंगे। यहाँ पर वी है, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, कि क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है कि नैतिक कर्तव्य तो है, हमारा फर्ज है लेकिन बहुत ज़्यादा कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर होता यू तो आप लिखेंगे यू शुड सर्व योर कंट्री कि आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, वो सिंपल मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है। यू, अब देखिए आपने देखा होगा कई बार लिखा मिलता है आपको डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, इसका मतलब क्या हुआ, यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स शराब पीना है, डोंट ड्रिंक, शराब नहीं पीनी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्रिंक, डोंट गैम्बल, यू मस्ट नॉट गैम्बल, आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन है ये, ठीक है, मना किया गया, प्रोहिबिशन को शो करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि ये चीज गलत है। यू मस्ट नॉट स्मोक, यू मस्ट नॉट गैम्बल। तो ये था हमारा मॉडल मस्ट। देखिए आपके लिए वीडियोज बन रही हैं, तो अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं हम आगे प्रोवाइड करवा सकें और हम एनकरेज हो सकें आपके लाइक को देख के, आपके कमेंट्स को देख के। आगे देखिए रूल नंबर सेकंड, टू शो मोर पॉसिबिलिटी। अभी अभी मैंने आपको शुड मॉडल में बताया था कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज भी करते हैं, बताया था ना, मस्ट मॉडल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है, मोर। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप शुड की बजाय क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। कैसे पता लगेगा, आप सोचेंगे कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर शुड की बजाय मस्ट आना चाहिए, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। कैसे, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल हैं। इसका मतलब, अब देखो ज़्यादा अगर आकाश में बादल छाए हुए हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई बरसात ज़रूर होगी, अब ना भी हो चाहे लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, 99% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कई बार बारिश नहीं होती है तो क्या हुआ, मोर पॉसिबिलिटी है। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट रेन टू नाइट, आज रात बरसात जरूर होगी। ठीक है, उसके बाद है यहां पर देखिए, मस्ट इक्वल टू हैव टू, यानी कि जहां पर आपने मस्ट मॉडल का यूज किया है वहां पर आप हैव टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ब्लैंक के बाद में टू लिखा हुआ है तो हैव आ जाएगा, अदरवाइज मस्ट आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे यू आर इल, आप बीमार हैं, यू आपको क्या मिलेगा एग्जाम के अंदर, यू टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। अगर आप यहां पर मस्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टू लिखा हुआ, मस्ट टू नहीं होता, मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर आएगा यू हैव टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। जैसे यहां पर आ जाइए, यू सर्व, वी सर्व अवर कंट्री, वी हैव टू भी आ सकता है यहां पर, वी हैव टू सर्व अवर कंट्री। ठीक है, यू हैव टू फिनिश द एग्जाम विद इन 3 hours। ठीक है, यानी कि मस्ट और हैव टू दोनों के जो रूल हैं वो कॉमन है, जहां पर आपने मस्ट का यूज किया है। इंग्लिश स्पोकन में आप देखेंगे मस्ट की बजाय हैव टू का यूज ज्यादा किया जाता है, जब आप इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं, यू हैव टू डू इट, आपको ये करना होगा, यू हैव टू गो आपको जाना होगा, यू हैव टू कम आपको आना होगा, इस प्रकार से हैव टू मॉडल का यूज भी करते हैं। किनको शो करने के लिए, स्ट्रिक्ट एडवाइस, नेसेसिटी, कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। अभी हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल जो है वो शो कर रहे हैं, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एक बार हम यहाँ पे। एग्जाम्पल है देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है अ सर्वेंट ओबे हिज मास्टर। अ सर्वेंट, एक नौकर का फर्ज बनता है कि वो ओबे करे हिज मास्टर, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे, यानी कि आज्ञा माने उसकी। क्या ही ये कंपल्सरी है, कंपल्सन है कि उसको माननी होगी, नहीं मानेगा तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वी ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के नियमों को मानना चाहिए। क्या है ये हमारे लिए, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, वी मस्ट आ जाएगा यहाँ पे, वी मस्ट ओबे हिज, ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, यू आर टायर्ड नाउ, यू आर टायर्ड नाउ, आप अब थके हुए हैं, यू बी फीलिंग हंग्री, आपको भूख लग गई होगी, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री। क्या है ये यहां पर भी शो किया गया है, किसको, ये नेसेसिटी को शो किया गया है कि आप अभी थक गए हैं, यू आर टायर्ड नाउ, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, अभी आपको भूख लग गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल मस्ट। कल मिलते हैं एक नए मॉडल के साथ, तब तक के लिए बाय।